फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स आज अंजलि से जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो दहेज प्रथा पर होगा। तो चलिए अंजलि से यह बात करते हैं कि यदि किसी स्त्री की शादी के 7 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है तो क्या यह दहेज हत्या माना जाएगा? यदि दहेज हत्या माना जाएगा तो कैसे, और इस पर कौन सी IPC लग सकती है, और इसकी शिकायत कौन कर सकता है? आज इस सब विषय पे अंजलि से बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अंजलि यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। तो अंजलि हमें यह बताइए, यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या यह दहेज हत्या माना जाएगा? बिल्कुल। यदि दहेज हत्या माना जाएगा तो कैसे? यदि किसी स्त्री की 7 साल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, या फिर हम कहें जैसे कि गैर प्राकृतिक कारण, जैसे कि जलने की वजह से आत्महत्या हो गया, और या फिर क्रूरता की व्यवहार हो गई, और जैसे कि या फिर और कोई कारण हो गए, ठीक। और मैं आपको बताऊं, जैसे कि जो उसका पति है या फिर उसके पति के जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, अगर वो उनको प्रताड़ित करते हैं, इनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये एक दहेज हत्या ही माना जाता है, माना जाएगा। और इस स्थिति में क्या होगा, जो IPC की धारा है 304 ख और 306 उसके प्रति लागू किया जाएगा। दहेज हत्या के संबंध में कानून यह कैसे मानेगा कि यह दहेज हत्या है? दहेज हत्या के संबंध में कानून ये मानकर चलता है कि हत्या ससुराल वालों के कारण ही हुई है, तो इस वजह से कानून मान सकता है। अच्छा, हमें यह बताइए, जिस स्त्री की मृत्यु हुई है उसके प्रति शिकायत कौन कर सकता है? हाँ, जिस स्त्री की मृत्यु हो गई है दहेज के कारणवश, तो उसके प्रति शिकायत उसके माता पिता दर्ज कर सकते हैं, या फिर कोई पुलिस अफसर भी दर्ज कर सकता है, और या फिर किसी अदालत को अगर इसकी इन्फॉर्मेशन है, उसके समक्ष ऐसा हुआ है, तो वो भी ऐसा कर सकता है। अदालत भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आज की डेट में तो अदालत क्या कोई भी इस बात को लेने को तैयार ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अंजलि ने बताया, IPC की धारा 304 ख और 306 इस पे लागू होता है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट कर जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।